गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का बीते रविवार को निधन हो जाने के बाद आज वो पंचतत्व में विलीन होने वाले हैं। इसके बाद कांग्रेस यहां अब सत्ता की कुर्सी की तलाश में है। हालांकि कांग्रेस की ओर से मनोहर पर्रिकर के निधन से पहले राज्यपाल को अवगत कराया जा चुका है। वहीं खबर है कि बीजेपी के सामने अपने सीएम चेहरे के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पर्रिकर रक्षा मंत्री थे तो उस वक्त गोवा के छोटे दलों ने बीजेपी से किनारा करने का मन बना लिया था। सभी दलों की मांग थी कि उनको सीएम पर्रिकर के अलावा कोई और नहीं चाहिए, लिहाजा पार्टी की ओर से पर्रिकर को फिर से गोवा भेजा गया और निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री सौंपा गया। फिलहाल सीएम की कुर्सी खाली होने के साथ कांग्रेस अब जल्द से जल्द अपना नेता सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहती है, लिहाजा गोवा कांग्रेस कमेटी ने बीती रात राज्यपाल को एक खत लिखा है। गोवा कांग्रेस ने इस पत्र में कहा है कि मनोहर पर्रिकर के देहांत से हम दुखी हैं। पत्र में लिखा गया है कि गठबंधन दलों ने बीजेपी सरकार बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व की शर्त रखी थी, यानी राज्य के छोटे दल मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर ही बीजेपी के साथ आए थे। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों व निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी। हालांकि इन छोटे दलों व निर्दलीय विधायकों ने तभी बीजेपी को समर्थन दिया था जब मनोहर पर्रिकर को सीएम बनाने की उनकी शर्त मान ली गई। ये है मौजूदा सीट। गोवा विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें पहले ही खाली पड़ी हुई थी, जहां 23 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। अब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई है, यानी अब सदस्यों की कुल संख्या स्पीकर समेत 36 बची है। ऐसे में फिलहाल बहुमत के लिए 19 सीटों की आवश्यकता है। किसके खाते में कितनी सीट? भाजपा 14 है, MGP 3, GFP 3, निर्दलीय 3, रांकपा 3 और कांग्रेस 16 है। ब्यूरो रिपोर्ट, storyhow.in।